क्या? ओ भाई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, कब हुई है? ओ माय गॉड, अभी भी हुआ। ये आया किधर से पढ़ा तेरा निका होता था येलो स्टोन अली, क्या हो गया यार? अब मैं ये उस साइड दिखा के लोगों को दिखा, क्या आ रही है? वो दिल रुबा, क्या हो गया यार अली? भाभी अगर आप देख रहे हो अली की हालत देख रहे हो, इसको किसकी याद आ रही है आपने जरूर पूछना। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से हो गए और जिंदगी में बेहतर कर रहे हो गए। आज आखिरी दिन यहाँ से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और हसन भाई हमेशा की तरह मुझे देख रहे हैं कि ये कर रहा क्या है। तो अब हम वापस जा रहे हैं जम्मू के लिए, लेकिन उससे पहले अली ने हरीसा लेना घर के लिए, तो वो लेंगे क्यों, हम भी ले लेते हैं, लेकिन हमने घर रजौरी परसों जाना, तो वो तब फ़ायदा नहीं आएगा खाने का, ना टेस्ट आएगा ना कुछ, और ख़राब भी हो जाएगा। तो अब हरीसा पकड़ेंगे, यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले, उसके बाद हरीसा उठाएंगे और फिर सीधा रवाना हो जाएंगे इंशाल्लाह जम्मू के लिए। और दुआ करो कि हमें ना ट्रैफिक नहीं मिले, क्योंकि आते टाइम 4 घंटे में आए थे, अब ये क्योंकि सुबह निकले थे 6:30-7 बजे, अब यहाँ पे 11 बज जाएंगे निकलते निकलते, तो खतरे वाली घंटी बज रही है, क्योंकि एक बार मैं 11 घंटे फंसाऊँ ट्रैफिक में अकेला वो भी। तो आई होप आज नहीं फंसे। बाकी मिलते हैं अब आपको गाड़ी में बैठ के, और सामान वामान रख रहे हैं हमजा जी हमारे प्रोफेसर साहब। हमारे कश्मीर में कंटेंट की कमी नहीं है, इन भाई ने कुछ लिखा है यार, हमारा भाई नहीं हो सकता, अपनी बहनों का भाई और अपने भाइयों का भाई है। हम सिर्फ अभी साइकिलें ठीक कर सकते हैं, वो भी हवा भरने तक। इस लेवल का आर्ट टली कर सकते हो आपकी गाड़ी। देखो ये पुलिस की लाइट भी लगवाई है भाई ने पीछे, क्या क्या करोगे? स्पॉइलर भी लगवाया हुआ था भाई ने कि गाड़ी तेज जाए, उड़े। मतलब इसमें नाइट्रो मोड लगा लो। और क्या हो गया? बड़ा या मुंह ही है तेरा निक्का होता था येलो स्टोन अली, क्या हो गया यार? अब मैं ये उस साइड दिखा के लोगों को दिखाऊंगा कि वो दीदी को तू ये बोल रहा है जो मैंने दिखा दिया। दीदी आपके कैमरे में नहीं है, मैंने कैमरा देखा होगा। हमको सिखा रिया है। अच्छा हम पहुंचे हैं जी ओल्ड टाउन पामपुर। पामपुर को सैफरान टाउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा सैफरान की जो खेती है पूरे कश्मीर में यहीं पे होती है। या इट इज, अभी गूगल किया मैंने, ऐसे नहीं बताऊंगा आपको कुछ, ठीक है? तो मुझे लगा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर किया। बाकी आप देख लो, ऐसे दिखते हैं पामपुर के लोग, ऐसे ही हैं पामपुर की दुकानें। ऐसे ट्राले के पीछे कुछ लिखा, लव इज लाइफ तुम क्या जानो, लव इज लाइफ तुम क्या जानो। देखो लव इज लाइफ नहीं, लाइफ इज लव, ये होना चाहिए था इसकी जगह, ये लव इज लाइफ वाला अब हमने चेंज कर दिया। हमारा चिनार हर जगह दिखता रहेगा जहाँ जहाँ जाओगे आप। तहसीलदार का ऑफिस है कभी, हाँ ये तहसीलदार का ऑफिस, ऑफिस देखेगा ना तू, पूरा विलेज टाइप बनाया उन्होंने ये पीछे। अच्छा मिट्टी का भी है पूरा, हाँ हाँ, अंदर से इतना प्यारा नहीं है। नहीं यार, ओ चलो अभी टाइम नहीं था हमारे पास, नहीं तो दिखाते हैं। ये दिखाने वाली चीज़ है। हाँ इंशाल्लाह जब अगली बार आएंगे और हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर हो गए होंगे, अगर हमने बंद नहीं किया तो, तब आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे चेहरे देख के गुजारा करो। दे आगे बच्चा कितना क्यूट है, पहाड़ों की हालत देखो, इमेजिन करो कोई बंदा यहाँ से खुदा ना हास्ता कोई क्रैश हो जाए, पीछे देखो लोग रह रहे हैं और लोग में मकान भी है पीछे पीछे टॉप पे देखो फॉल को और वो नीचे एक वाटरफॉल भी है। क्या हो गया यार, गाना लगते ही तू रो रहा क्यों है यार? गाना कैसे बंद किया यार? मैंने किया रो रहा क्यों है? याद आ रही है, क्या हो गया यार? भाभी अगर आप देख रहे हो अली की हालत देख रहे हो, इसको किसकी याद आ रही है आपने जरूर पूछना। ये मैं डालूंगा, ये डालने देना दे, ये मैं बिना परमिशन डालूंगा। आराम दादा एक कुत्ता कमीना डाल के दिखा, ये वाला तो मैं डालूंगा तेरे तेरे को रोते हुए देख के व्यू आएंगे भाई, कंटेंट है ये। अली भाई रो गए फाइनली। क्या क्या बोलता होता तू अली भाई से? अली भाई क्या आगे बोल सकता कोई क्या? अली भाई गाड़ी अभी भी हुआ। आया किधर से, पड़ा किधर, आई कैसे, कहाँ पहुंची कैसे? ये
यार इसलिए मैं बोलता हूँ ध्यान से चलना चाहिए यार, हालत देखो यार। अल्लाह आप इस बंदे की सलामत, बंदा सलामत होना चाहिए यार, इसलिए यार ध्यान से चलना चाहिए यार। और है भी ये रॉन्ग साइड है भाई, ये मतलब उधर से आया, यहाँ से किसी ने ठोका है यार। क्या हुआ ये गाड़ी टायर पतले हैं छोटे वाले, मारुति देती है ऐसे गंदे टायर, देखो वो गाड़ी भी है और स्प्लिटिंग की वजह से गाड़ी स्पीड कर गाड़ी जाम से चलाया करो यार, टोल हो गई थी गाड़ी उस वजह से मुझे और जितनी स्पीड लिमिट है उतनी स्पीड लिमिट में चलाया करो प्लीज। वैसे ऑल दो यहाँ पे 50 स्पीड लिमिट है लेकिन इतना में चलाता कोई नहीं होगा। हम चला रहे हैं, हम बहुत स्पीड रूल फॉलो करते हैं, हमारे जितने नहीं कर पाओगे लेकिन थोड़े काम किया करो। ऑफ कैमरा भी करते हैं बहुत। अली भाई रो रहा है, चश्मे डाल दिए, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। चलो इतनी नजर नहीं आ रहा, अब यही दुआ कि वो जो बंदा है जिसकी गाड़ी थी वो सेफ हो। लेकिन आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी, मोदबाना गुजारिश है, हम चारूंगी गाड़ी आराम से चलाओ, फन करो फन करो फन, ठीक है बस देन हैव फन इन हेवन। और वो तो पता चलेगा, देखो अब यहाँ पे वो सामने ना वहाँ पे 60 स्पीड है, अब यहाँ से आप तेज चल सकते हो। जहाँ वो दीदी कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है यहाँ ऊपर इतने खड में, ठीक है चलो नो ऑफेंस, बाय बाय। मिठाई यार ये है ना, ये प्रेम स्वीट्स बहुत बहुत फेमस है, खासकर अपने पतीसे के लिए। अब जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता जब मैं खोलूंगा ये डब्बे तब भी कहूँगा कि पतीसा होता कर रहा है, पर बहुत बहुत टेस्टी पतीसा है इनका। जुगु भी ऐसे हमने पकड़ा था, याद है यार। है? इसको जब ये छोटा था इसको काली तार के मोड़ में आज जन्म में नहीं बैठा हुआ था। मैं बड़ा था, तुझे कैसे पता हमने जुगु कैसे पकड़ा गया था? मेरे को याद है ना तुझे, ये भाई है भाई है, मैंने कहा ये कि कहाँ पकड़ लिया इसको बुजू को, कहानी क्यों सुनाई हमने? क्योंकि अगर कल कोई तुझे ये बोले ना कि तुझे इन्हें काली तार से उठा के लाया, तुझे ये ना लगे मैंने ये कहानी सुनी नहीं हुई। नहीं 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 याद है, ये केला बुरा नहीं मारना, मैं बोलूं मुझे हाँ क्यों उठाया था इन्होंने वहां से, क्योंकि छोटा था ना इसको खेलना होता था बांध के साथ। हाँ सुनाना वो बुआ उसको आजर है ना, आजर हमारे पास आया था छोटा भाई से मिले थे, ठीक है वो माँ इतना लटरमस्त था ना यार, उसको आपन जी पढ़ाने लगे, आपन जी बुआ मेरी सबसे बड़ी वाली, उसको पढ़ाते थे कुरान पाक। पता क्या करता था जब वो मारते थे ना ऐसे, हमें पता था उसको लागरी नहीं है, पता क्या करता आई 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 चिलांगे मारे चिलांगे, और जब चिलांगे मारा ना ऐसे आंख करता है रावण जी के मारने से किसको लगती है, मैं तो ड्रामा करता हूँ छोड़ दे मेरे को जल्दी। वो ऐसा ड्रामेबाज इंसान था, मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक ड्रामेबाज इंसान कोई नहीं देखा, नेक्स्ट लेवल ड्रामेबाज था। जुगु उसको डांस ही करा था, उसका डांस बड़ा फेमस था अगर तू देख रहा तो, डुब डुब चिका टुन 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 ये उसका गाना था। और उसने टीवी पे गाना नहीं लगाना, मुंह से बोलना और डांस करना। जब जुगु बोर हो, जब जुगु बोर हो रहा हो, अजर आ जा चल डांस कर, चल डांस कर। यार एक उसका और मौजूद था, वो पैसे पैसे छोटी छोटी मोहल्ले में लड़कियां रहती है, तो अब छोटा था अभी 10-12 साल का बेचारा, बाहर जाके गेट पे खड़े होके ऐसे ऐसे गुनगुना रहा है, तू आ रहा था शायद आगे से, इसको देख के भागा। क्या कर रहा था? कुछ नहीं ऐसे मेरी दोस्त है, मैं इनसे बातचीत कर रहा था, जा किसी से बात नहीं कर रहा था, बस उनको देख के खुश हो रहा था। ईव टीजिंग यार, ईव टीजिंग इसी, और कुछ नहीं कर रहा था, खाली देख देख के अपना दिल बहला रहा था, वन साइडेड आशिक था वो भाई। बस इस पे हम रुके हैं, मैं बहुत पहले आता था अली के साथ यहाँ, और कोई चेंजिंग नहीं हुई है, वो आप बोर्ड देख रहे हो पीछे वही, वो गेट भी वही, सब कुछ बिल्कुल डिटो वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब खाना देखते हैं वैसा ही है या नहीं। भैया जी यहाँ का चिकन फ्राइड राइस
मुझे देखने में ही लजीज लग रहा है। और क्या होगा,